हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर की कंप्लीट जानकारी, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट उन्होंने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से दिए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आ जाइए जल्दी से और शेयर कर दीजिए फटाफट से इस लेक्चर को, शेयर कर दीजिए फटाफट से। और गुलशन मैम, जो आपकी बहुत फेवरेट टीचर हैं, वो ला रही हैं वर्कशॉप 2 सितंबर को 8 बजे शाम को वर्कशॉप होने वाला है। उसमें आप लोगों को बेस्ट ट्रिक बताई जाएगी कि किस तरह से रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पेपर 1 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवालों को करते हैं गलत, और अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो बात मानिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे गलत कभी नहीं होंगे। इसलिए वर्कशॉप को जरूर से अटेंड कर लीजिएगा। 2 सितंबर 8 बजे शाम को यह वर्कशॉप होने वाली है। जीवन में 2 काम जरूर कीजिएगा अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। कौन सा वो काम है? सबसे पहला काम यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, और जो मैं कहता हूं मुझे आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ये 2 चीजें अगर आप कर लेते हैं, सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। और सच में तो बात यह है कि अगर आपने जीवन में 2 काम किया, एक टाइम टेबल बनाना और दूसरा उस टाइम टेबल को फॉलो करना, यानी सबसे पहला आपने काम क्या किया कि अपना टाइम टेबल बनाया, अपना प्रोग्रेस टेबल बनाया कि मैं आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, 20 तारीख को ये करूंगा, और आप उस पर एक्शन लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले वाली बात भी सही है, मगर दूसरी वाली बात जो है वो सब पर लागू होती है। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है? उस जो आपने खुद अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए जो टाइम टेबल बनाया है उसे फॉलो कीजिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर। देखिए स्टूडेंट बहुत कम नजर आ रहे हैं, फटाफट से जरा शेयर करके आओ जल्दी से 9241333666। ये आपके किस्मत के ताले को, जो किस्मत का बंद ताला है उसको खोलने का काम करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सोशियोलॉजी बहुत टफ है, बहुत मतलब मुश्किल से अगर आपको समझ में आती है, तो आपके लिए हम बैठे हुए हैं जो समाज शास्त्र को इतना आसान बना देते हैं कि आपको लगने लग जाता है कि अरे यार काश पहले सर से क्लास कर ली होती। ठीक है, लेकिन देर आए सवेर आए, मतलब देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए सिस्टमैटिकली अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो। 9241333666 पर भी कॉल कर सकते हैं, या ऊपर एक नंबर दिख रहा है येलो बैंड में 9650052904 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म जो है 1820 में हुआ था और मृत्यु जो है 1903 में हुई थी। हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो है सोशियोलॉजी के बहुत फाउंडिंग मेंबर्स में से कहे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और एक बात और कि सोशियोलॉजी को सेकंड लाइन देने का काम किया है। सेकंड लाइन मतलब जैसे अगस्त कॉम जब आए थे तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस्ड पर, जैसे न्यूटन्स लॉ था, 3 न्यूटन्स लॉ दिया था। ठीक है, तो उसी तरह से उसी को कॉपी करके अगस्त कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था। याद है ना सब लोगों को लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या है? याद है कि भूल गए हो सब यार? ठीक, तो क्या है? थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक, अब ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि अरे यार ये सब इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं। मोर प्रैक्टिकल तो ये है कि इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी, यानी समाज के स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के साथ, जो है सबसे पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, समाज जो है वो एक जीव की तरह होती है, जिस तरह जीव के हाथ पैर कान नाक और उसके अनुसार जीव एक काम करता है,
वैसे ही हमारा समाज काम करता है। हमारे समाज की आंख नाक कौन मुंह कौन है? हमारे समाज के आंख नाक कान और मुंह होते हैं, उनके पार्ट्स यानी उनके पार्ट्स कौन है? इकोनॉमी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किया जा सके। सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे। फिर तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया टेलकट पार्सन्स ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने, और कौन, रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है, रेमंड फर्थ ने, ठीक, समझ गए। आ जाइए अब सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप लोगों को याद होनी चाहिए हर्बर्ट स्पेंसर की डेट के साथ। सबसे पहली किताब है सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स किताब के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। इनसे कहा गया कि आपने सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट दिया है अगस्त कौन, तो उससे आपने ये नाम चुराया है क्या? तो उन्होंने बोला ना 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 ना, मैं तो भैया अगस्त कौन का नाम भी नहीं सुना हूं, तो कॉन्सेप्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। वो कहते हैं पहले मैंने डेमियो स्टैटिक रखने की सोची थी, लेकिन किसी ने मुझे ये राय दी कि यार डेमियो स्टैटिक जो है वो सही नहीं लगता है, और डेमियो स्टैटिक जो है वो पहले ही कोई अपना नाम रख चुका है, इसीलिए मैंने सोशल स्टैटिक्स नाम रखने की कही, ऐसा स्पेंसर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इन्होंने ये जो टर्म है चुराया था अगस्त कॉन्ट से, ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, 1973 में पब्लिश हुई थी, और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तीनों की दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। बायोग्राफिकल स्ट्रेच देख लेते हैं। सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे किससे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी से, ठीक, इवोल्यूशन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, तो इन्होंने भी सोसाइटी की इवोल्यूशन थ्योरी लिख डाली। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी देखी, डार्विन ने जो दिया था, ये उससे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने खुद अपना सोशियोलॉजी का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिताजी जो थे वो स्कूल मास्टर थे। ये अब इन्होंने ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी से कैसे इतना प्रभावित हुए, एक कहानी है इसके पीछे। ये अपने मां बाप के 9 बच्चों में से एक थे, ठीक है। स्पेंसर जो थे सबसे बड़े भैया थे, बाकी सब लोग छोटे छोटे थे, ठीक, बाकी सारे लोग मर गए, अकेले स्पेंसर बचे। किसी को मलेरिया खा गया, किसी को हैजा का निकल गया, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। कोई छोटी सी बीमारी से मर गया, किसी को पोलियो हो गया, ठीक, किसी को प्लेग हो गया, तो इस वजह से इसके सारे भाई जो हैं वो एक्सपायर हो गए, बहने जो हैं वो एक्सपायर हो गए, ये इकलौते बचे। तो इन्हें पता लगा कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं फिट था, इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी के लिए मैं फिट था, और इन्होंने इसी को अपने समाज शास्त्र में अप्लाई कर दिया। उसी को क्या कहते हैं हिंदी में? योग्यतम का उत्तर जीविता का सिद्धांत, ठीक है। और इन्होंने उद विकासवाद की वकालत की है, याद रखिएगा, इसीलिए ये सोशियोलॉजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लाते हैं। भाई जो व्यक्ति 9 भाई बहन थे और एक ही बचता है अडल्ट होते होते, किसी को मलेरिया ने ले लिया, किसी को डेंगू ने ले लिया, किसी को चिकनगुनिया ने ले लिया, कोई प्लेग से मर गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे ये अडल्ट हो ही नहीं पाए, सिर्फ ये इकलौते थे जो फिट थे बहुत ज्यादा, और इन्होंने फिर लिखा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये कहते हैं कि सोसाइटी भी यही फॉलो करती है, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ अगस्त कॉन्ट। कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे अगस्त कॉन्ट के समकालीन थे। तो ये सवाल आता है, लिख लो कि हर्बर्ट स्पेंसर किसके समकालीन थे। दे देगा अगस्त कॉन्ट, दे देगा कार्ल मार्क्स, दे देगा मैक्स वेबर। आपको करना है अगस्त कॉन्ट। लाइक कॉन्ट ही वॉज टू एस्टेब्लिश सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ये भी समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले थे, कि उस समय के जितने भी थिंकर थे सब लोग जो हैं विज्ञान समाज को समाज शास्त्र को विज्ञान की तरह ही स्थापित करना चाहते थे। चार्ल्स डार्विन की किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत प्रभावित हुए स्पेंसर और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे डाला इवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन,
ऑफ स्पेंसर स्कीम ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसे कहा जाता है, जिसमें ये वर्ल्ड को समझना चाहते थे इवोल्यूशन के द्वारा कि कैसे इंसान का विकास हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज अ होल एंड ह्यूमन बीइंग प्लेस विद इन इट। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से ये बहुत प्रभावित हुए, तो इन्होंने विकासवादी सिद्धांत को समाजशास्त्र में अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसे स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, ये विकास उद विकासवाद के सिद्धांत से दुनिया को समग्र रूप से समझना चाहते थे और मानव जाति के भीतर हुए विकास को भी समझना चाहते थे। ठीक है, ये कहते हैं इन्होंने जब बहुत अध्ययन किया, बहुत सारे सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इन्होंने सबका अध्ययन किया, इन्होंने एक बात निकाली बहुत ढूंढ करके, खोज करके, बहुत सारा क्रक्स, बहुत सारा एक्सप्लोरेटिव रिसर्च इन्होंने किया और ढूंढ करके ये बात निकाली कि दुनिया में केवल एक ही चीज है जो रह जाती है, वो है चेंज। और तीन चीजें हैं जो चेंज लाती हैं समाज में और किसी भी समाज में लाती हैं। चेंज कैसे आता है, इन्होंने बताया कि तीन तरह से चेंज आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तीन तरह से चेंज आता है। सबसे पहला इन्होंने बताया कि फिजिकल स्टफ में चेंज आता है, यानी मटेरियल एस्पेक्ट से चेंज आता है। जब मटेरियल एस्पेक्ट चेंज होता है हमारा, तो हमारी धरती में बदलाव आते हैं, समझ गए ना, मटेरियल एस्पेक्ट। यही तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि मटेरियल मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, मटेरियल में चेंज आने से हमारी सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि जाइएगा नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, उसमें बहुत सारे न्यू एमसीक्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर को डिस्कस करने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कोई भी कहीं जाएगा नहीं, बने रहना है, क्योंकि यहां से भी आपको दो क्वेश्चन आज 100% इस पूरे क्वेश्चन में से मिलने वाले, मतलब कि दो क्वेश्चन तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यूजीसी नेट के इस वाले पेपर में। फिर आपको लगेगा कि यार यार पेपर आउट था लगता है। ठीक, तो दे इमर्ज आउट ऑफ फिजिकल स्टफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चेंज कैसे आता है, चेंज फिजिकल स्टफ में बदलाव के आने से होता है। ये कहते हैं कि हर एक चेंज का, बदलाव का अपना एक पैटर्न होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का और चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी मतलब यही होता है कि चेंज होना, मतलब एक पैटर्न में चीजें चेंज होती हैं। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दीज पैटर्न द ड्यू कोर्स डिक्लाइन और डिसॉल्व, बहुत सारी चीजें जो है इस चेंज के पैटर्न में जब हम लोग चलते हैं, ठीक, तो बहुत सारी चीजें खत्म भी हो जाती हैं, ठीक, बहुत सारी चीजों में गिरावट भी आती है। जैसे आज की डेट में रिलीजन, आज से आप अगर 50 साल पहले जाएंगे तो रिलीजन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी था, लेकिन रिलीजन में डिक्लाइन आया कि नहीं आया आज के समय में? आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजन को उतना इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पैटर्न होता है चीजों में, जब आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप अपने रिलीजन और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को थोड़ा बहुत भूलते भी हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि परिवर्तन तीन तरह से आता है। सबसे पहला ये कहते हैं कि भौतिक सामान में परिवर्तन आता है, जब भौतिक सामान बदलते हैं तो फिर समाज में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। हर एक परिवर्तन का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है, अपना एक सेट पैटर्न में चेंज होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ती है सोसाइटी, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से डबली कंपाउंड, डबली कंपाउंड से ट्रिपली कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ जाता है समाज, मिलिट्री से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ जाता है समाज। ठीक है, तो इन पैटर्न के अनुसार समय के साथ गिरावट भी आती है और भंग भी हो जाते हैं कई सारे ट्रेडिशन, कई सारे कस्टम्स, ये कहते हैं। ठीक, इन दिस द मूव फ्रॉम, अब जब ये बदलाव आता है तो सोसाइटी कहां से कहां की तरफ बढ़ जाती है, सोसाइटी में क्या परिवर्तन हो जाते हैं, सोसाइटी क्या बन जाती है। ठीक, तो क्या हो जाती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाती है, अ कंडीशन ऑफ सिंप्लिसिटी टू द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कंडीशन ऑफ इनडेफिनेटनेस टू कंडीशन ऑफ डेफिनेटनेस की तरफ बढ़ जाती है। यानी डेफिनेट क्या होता है, जिसका होना पक्का हो जाए वो डेफिनेट होता है। ठीक, आज की डेट में जब आप मेरे बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं, आप एनरोल कर लेते हैं तो फिर आपका होना पक्का हो जाता है यूजीसी नेट, बोलो स्वाहा हो जाता है, हो जाता है।
तो एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, ये जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है इसको ज्वाइन कर लो फटाक से, 9650052904 पर कॉल कर लो फटाक से, एनरोल करना है अगर सिस्टमैटिकली। अगर आप इनडेफिनेट हैं कि सोशियोलॉजी से होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेट की तरफ आ जाइए, क्योंकि जब आप में परिवर्तन आते हैं तो आप इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट भी हर्बर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी है, वेरी गुड, थैंक यू निधि। अ कंडीशन इन विच देयर पार्ट्स आर रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड टू अ कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है प्रिमिटिव सोसाइटी में, जो कि स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी में बदलाव ऐसे आते हैं, सबसे पहला व्यवस्थित जटिलता की स्थिति आ जाती है, सरलता से जटिलता की तरफ हम बढ़ जाते हैं, अनिश्चित काल से निश्चितता की तरफ बढ़ जाते हैं। आज की डेट में हमें पता रहता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, मेट्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना फास्ट हो गया, इतना आगे बढ़ गया हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमने सैटेलाइट इतनी सारी छोड़ दी है आसमान में कि हमें एक दिन पहले या दो चार दस दिन पहले और महीना भर पहले पता लगा लेते हैं कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हम अनडिफरेंशिएटेड एक जटिल भेदभाव की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, विशेषज्ञता की स्थिति आ जाती है, समझ गए? ठीक, चलो। फ्रॉम अनस्टेबल कंडीशन टू स्टेबल कंडीशन, जब भी समाज में परिवर्तन आते हैं तो वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, अस्थिर से स्थिर स्थिति की तरफ बढ़ता है। आज का समाज पहले के समाज से ज्यादा स्थिर हो गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी, मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि ऑर्गेनिक एनालॉजी, ये सबसे पहले थिंकर थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने डिफरेंस किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी में। इन्होंने कहा कि सोसाइटी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, और सोसाइटी को इन्होंने क्या नाम दिया था, सुप्रा ऑर्गेनिक। याद रख लेना, सुप्रा ऑर्गेनिक, यहीं से सवाल बनेगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक और जीव और समाज के बीच अंतर को स्पष्ट करने का काम किया है, उसी थ्योरी को इन्हें की ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं। ही मेंटेन्स दैट सोसाइटी एज एन एंटिटी इज समटाइम्स मोर देन एंड अदर देन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए इसे ये क्या नाम देते हैं, सुप्रा ऑर्गेनिक एंटिटी, एक सुप्रा ऑर्गेनिज्म। इवन दो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आर मेंबर ऑफ इट, इट इज अ टोटल सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। इट इज सुप्रा ऑर्गेनिक, सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी, एन ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी ओवर एंड अबव द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से काफी बृहद है, काफी बड़ा है, ठीक है, काफी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, समझ गए? उन्होंने कहा कि समाज एक इकाई के रूप में एक जीव से अधिक के अलावा बहुत कुछ है। एक छोटे से जीव, देखिए ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं, लेकिन क्या सोसाइटी मर जाती है क्या ह्यूमन बींग्स के साथ? ठीक, कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है उसके साथ सोसाइटी भी एक्सपायर हो जाती, सोसाइटी कभी एक्सपायर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी है ये। तो समाज को सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी किसने कहा है, सुपर ऑर्गेनिक इकाई किसने कहा है, सर्वश्रेष्ठ जैविक इकाई किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, स्पेंसर सॉट टू बिल्ड टू क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ सोसाइटी रिलेटेड टू हिज थीसिस ऑफ सोशल इवोल्यूशन। द फर्स्ट थीसिस इज दैट द प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू वेरियस लेवल ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ कंपोजिशन। तो इन्होंने दो तरह से उद्विकास के आधार पर इन्होंने दो तरह के वर्गीकृत प्रणाली बताई है, दो तरह से इन्होंने वर्गीकृत किया है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अपनी थीसिस से संबंधित समाज की दो वर्गीकरण प्रणालियों का निर्माण करने की मांग की है। पहले थीसिस में ये क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले थीसिस में ये क्या कहते हैं कि समाज जो है अपनी संरचना में डिग्री के आधार पर सरल से
यौगिक के विभिन्न स्तरों तक जाता है। सरल से यौगिक के विभिन्न स्तरों पे, यौगिक मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब विभिन्न लेवल कंपाउंड के कैसे हैं कि डबली कंपाउंड, सिंगली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड, ठीक इस तरह से कंपाउंड सोसाइटी होती है। और ये बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, स्पेंसर थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन पॉइंट्स टू टू स्टेजेस। सबसे पहला ये कहते हैं कि सिंपल टू कंपाउंड, यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे। और दूसरा, सोसाइटी मिलिटेंट से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ जाती है। आपने मिलिट्री को देखा है, कई बार देखा होगा, हजारों बार देखा होगा अपने लाइफ में मिलिट्री को, तो सैनिक जो लोग होते हैं उनके हाथों में हमेशा हथियार हुआ करते हैं कि नहीं हुआ करते। उसी प्रकार से आप आज से 20,000 साल पहले चले जाइए, 5,000 साल पहले चले जाइए, 10,000 साल पहले चले जाइए, तो आप देखेंगे कि लोग जंगलों में घूमा करते थे और अपना हथियार हमेशा साथ में रखा करते थे, तीर कमान हथियार भाले धनुष तलवार पत्थर जो भी उनके पास होता था वो सब। यानी जो पुरानी सोसाइटी थी जिससे हम आगे बढ़ करके उद्विकास जिससे हमारा हुआ है, वो कौन सी सोसाइटी हुआ करती थी? वो मिलिट्री उग्रवादी समाज हुआ करता था, मिलिट्री सोसाइटी होती थी। किसी को भी देखते थे तो उन्हें उनका मन करता था कि चलो इसको मार दें यार, ठीक है। उससे हम आगे बढ़े औद्योगिक समाज की तरफ, यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े, ठीक। तो समाज स्पेंसर कहते हैं दो चरणों से गुजरता है, एक तो सरल से मिश्रित की तरफ गुजरता है और दूसरा उग्रवादी समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित तो होता है। द मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटी, ये बताते हैं कि फोर टाइप्स ऑफ सोसाइटी से एक कोई भी समाज अपने इवोल्यूशनरी लेवल पे, यानी उद विकास के चरण में चार तरह के समाज का सामना ये समाज करता है, ठीक। सरल से मिश्रित समाजों में चार स्तरों से समाज गुजरता है, समझ गया। सबसे पहली सोसाइटी ये कहते हैं कि सिंपल सोसाइटी होती है। सिंपल सोसाइटी में क्या होता है ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से सवाल आएगा आपको, बिल्कुल डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। सिंपल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो हंटिंग और गैदरिंग पर बेस्ड होती है, जैसे कि एस्किमोस, ट्यूगियंस, ग्वाना ट्राइब्स, कैल्डोनियंस एंड पोब्लो इंडियंस। ये जो ट्राइब्स हैं ये आज भी हंटिंग और गैदरिंग पर जो है चल रहे हैं। जैसे हमारे यहां कौन सा है, बकरवाल, ठीक। समझ गए, अनसब्जेक्टिव होते हैं ये, सिंपल होते हैं, सिंगल वर्किंग मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, समझ में आया। यानी किसान ही वक्त आने पे डॉक्टर बन जाता है, किसान ही वक्त आने पे इंजीनियर बन जाता है, मतलब डॉक्टर इंजीनियर उस समय नाम नहीं हुआ करते थे लेकिन लोगों का इलाज कर देता है, इंजीनियर घर बना देता है, इस तरह से इस सोसाइटी को सिंपल कहते हैं। जैसे जैसे हम कंपाउंड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो हर चीज के लिए, अब डॉक्टर भी 206 प्रकार की हड्डी होती है तो 406 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, समझ गया। तो ये क्या, किस तरह का समाज था, इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, जैसे एस्किमो, जैसे फ्यूजियन, जैसे कि गुआना जनजाति, ठीक है, कैलोडिनियन और प्यूब्लो भारतीय। तो ये सारे वो लोग हैं जो हंटिंग एंड गैदरिंग पे, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन जो होता है बहुत सिंपल होता है, ठीक। फिर आता है कंपाउंड सोसाइटी। तो कंपाउंड सोसाइटी ये बोलते हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है जिसमें कि दो विलेज, जैसे देखिए पुराने जमाने में आप चले जाएंगे ना, तो जो आप सिविलाइजेशन पे बेस्ड, सभ्यता पे बेस्ड जो आप मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एक कबीला जो होता है दूसरे कबीले पे हमला करता है और फिर दोनों कबीले मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सोसाइटी। यानी एक विलेज दूसरे विलेज से, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से मिल करके, या वॉर के जरिए या तो फिर कॉन्टेक्ट के जरिए, दोनों मिल करके जब बड़ा सोसाइटी बना लेते हैं, दो सोसाइटी, वॉयलेंट मर्जर ऑफ पीसफुल और वॉयलेंट मर्जर, दोनों तरह से, लेकिन मर्जर होता है यहां पर, ठीक है। तो मिश्रित समाज आमतौर पर दो या दो से अधिक साधारण समाज के शांतिपूर्ण या हिंसक विलय के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उसे हम कंपाउंड सोसाइटी कहते हैं। इसका एग्जांपल खुद हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि होमरिक ग्रीक थे, यानी यूनान, ठीक, होमरिक ग्रुप ग्रीक, न्यूजीलैंडर्स, होटेंटॉट्स जो 5वीं शताब्दी में थे ये लोग, ठीक, अशांति ट्राइब्स, ठीक। तो ये 5वीं शताब्दी से ये एग्जाम्पल बताते हैं कि 4 या 5वीं
सामाजिक स्तर से जो गुजरता है, तो ये 5वीं शताब्दी के आसपास, यस 5वीं शताब्दी के आसपास इस तरह के समाज की उत्पत्ति होती है। थर्ड ये बताते हैं डबली कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है, डबली कंपाउंड सोसाइटी। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, लार्ज और मोर इंटीग्रेटेड ये सोसाइटी, मोर इंटीग्रेटेड सोसाइटी, डबली कंपाउंड सोसाइटी वर कंप्लीटली सेटल्ड। कृषि यहां पर डेवलप हो गई, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, ये जनरली फ्यूडल सोसाइटी हुआ करते थे जो कि 13वीं सेंचुरी में पाए जाते थे, ठीक। तो यहां पर टाउन्स और रोड्स बहुत डेवलप हो जाते हैं, समझ गए, साइंस भी थोड़ा बहुत डेवलप होने लग जाता है, ठीक। 13वीं सेंचुरी का फ्रांस, 11वीं सेंचुरी का इंग्लैंड, ठीक। स्पार्टन्स, स्पार्टन्स पता है ना, 300 मूवी आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो उसमें स्पार्टन्स थे, तो वो सब डबली कंपाउंड सोसाइटी में डेवलप हुए थे। दोहरे मिश्रित समाज जिसे हम डबली कंपाउंड सोसाइटी कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी का फ्रांस, 11वीं शताब्दी का इंग्लैंड, ठीक, स्पार्टन, प्राचीन पेरुवियन और ग्वेटमाला में जो लोग रहते थे वो सारे लोग दोहरे मिश्रित समाज के अंतर्गत आते थे। इसमें श्रम का अधिक जटिल विभाजन हो गया पहले के समाजों के मुकाबले, ठीक। अब आते हैं ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी। ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी क्या होती है, तो ग्रेट सिविलाइज्ड नेशंस, ग्रेट सिविलाइज्ड नेशन जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जर्मनी, इटली, रशिया, ठीक, ये सब ग्रेट सिविलाइजेशन कहलाते थे, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां पे साइज बहुत बड़ा हुआ करता था इनका, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंक्रीज हो गया, पॉपुलर डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, जनरल कल्चरल कॉम्प्लेक्सिविटी यहां पर आ जाती है, ठीक। तो ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी, आधुनिक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इटली, रूस जैसे महान सभ्य राष्ट्र जो है वो ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी कहलाते थे, ठीक है, समझ गए। तो सेकंड क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया कि दूसरा जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है, समाज मिलिट्री से इंडस्ट्रियल हो जाता है, समाज सैन्य से औद्योगिक की तरफ बढ़ जाता है, ठीक। मिलिटेंट सोसाइटी में क्या था, मिलिटेंट सोसाइटी में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सारे लोग मिलिट्री एक्शन की तरह, ठीक, हथियार लेकर के चलते थे, यहां पे कंपलसरी कोऑपरेशन हुआ करता था, ये नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं आ रहा हूं रमेश जा तू आज हंटिंग गैदरिंग कर ले, नहीं नहीं सबको साथ में जाकर के लड़ना पड़ता था, चाहे आप दूसरे गांव पे हमला करना चाहते हो या ना करना चाहते हो, आपको जाकर के हमला करना पड़ता था। तो इस तरह के समाज को क्या कहते हैं, आज के उग्रवादी समाज से कल्पना करिए, ठीक। तो यहां पे आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य कार्रवाई हमेशा चलती रहती थी, यहां मानवीय संबंध अनिवार्य सहयोग हुआ करता था, मानवीय संबंध में वो मिलिट्री सोसाइटी कहलाती है। हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ अथॉरिटी होता था, एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होती थी, मिथ होते थे यहां पर, बिलीफ्स होते थे जो हायरार्किकल नेचर ऑफ सोसाइटी को डिफाइन करते थे, ठीक। तो जैसे हमारी समाज जो है हायरार्की है ना, कास्ट सिस्टम, तो उससे ये अत्यधिक केंद्रित थी और मिथकों और विश्वासों के एक समूह समाज के श्रेणीबद्ध प्रकृति को पुष्टि करता था, ठीक। लाइफ इज मार्क्ड बाय रिग्रेस डिसिप्लिन, यहां पर बहुत रिग्रेस डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था हर एक व्यक्ति को, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ यहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता था, समान होती थी। फिर आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो हम आज के समाज को देख रहे हैं, ठीक है, इन विच मिलिट्री सोसाइटी, मिलिट्री एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज पेरिफेरल टू सोसाइटी, यस। हमारे समाज के अंदर अब आप लोगों को दिखते हैं क्या कि लोग बंदूक लेकर के घूम रहे हो, नहीं, लेकिन आप बॉर्डर पर देखेंगे तो लोग बंदूक लेकर के घूम रहे होते हैं, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पहचान है। यहाँ पे ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ह्यूमन प्रोडक्शन और वेलफेयर मेजर्स जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कल्याणकारी और उत्पादन उत्पादकता पर केंद्रित किया जाता है, मानव उत्पादकता पर, ठीक है। सैन्य गतिविधियां जो है वो अब परिधीय होती हैं, वो कोर नहीं होती हैं, पहले सैन्य गतिविधियां ही कोर होती हैं। यहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है, फर्म, देखिए वहां पे वॉलंटरी नहीं होता है, वहां पे कंपलसरी कोऑपरेशन होता है, यहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक रियाम ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ग्रोथ ऑफ फ्री एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन।
आप अपना खुद का एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपनी खुद की संस्थाएं बना सकते हैं, यहां पे स्वैच्छिक सहयोग होता है। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन और आंसर्स पे। बोलो स्टार्ट करें जल्दी से, जरा जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो एक बार जरा फटाफट से जरा शेयर करके आ जाओ। शेयर इट, लाइक इट, लव इट, शेयर करो फटाफट से, जल्दी से लाइक इट, जल्दी से लाइक कर दो। एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है। स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल 10 खंडों में प्रकाशित हुई है, पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं। यस, तो टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है बोलो भैया ज्वाइन कर लो, कोई अभी पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री है। सबसे पहला सवाल आपको बताना है कि एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी कौन सी है, समुदाय का एक उदाहरण बता दीजिए। जल्दी से देखें कौन बता पाता है सरल आंसर, जल्दी से बताइए समुदाय का एक उदाहरण। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इस समय का सदुपयोग करना जिसने सीख लिया है उसको सफलता के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है, सफलता खुद चल के उसके सामने आती है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप क्या होती है? कम्युनिटी होती है, जनजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर टू, Which one is example of social institution? बताइए सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा है, सामाजिक संस्था इसमें से कौन सी है, जल्दी बताइए सामाजिक संस्था कौन सी। देखें जरा बेसिक में कितने टाइट हैं आप लोग, कोई किसी की नकल नहीं करेगा। देखो अपने आप से ईमानदारी आप लोगों को रखनी है, ठीक है, नकल करोगे तो नाव डूब जाएगी पानी में। तो क्या है डी, सभी सभी सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सभी सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज सम टोटल ऑफ ऑल स्टेटसेस दैट अ पर्सन ऑक्युपाइज, बताओ डैश जो है किसी व्यक्ति की सभी परिस्थितियों का योग है, जल्दी से बताओ फटाफट से, देखिए कितने लोग सरल आंसर का जवाब सही देते हैं। वेरी वेरी गुड, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। ना 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 ना, देखो निधि भी जो है गलत आंसर दे रही है। मैंने आपसे क्या बोला है कि सभी सम टोटल ऑफ ऑल स्टेटस, जितने भी आपके लाइफ में स्टेटस आपको मिले हैं, ठीक है, आप एक ही समय पे एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि निधि है, निधि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, अपने डॉटर है, ठीक है, निधि जो है स्टूडेंट है, भाई मान लीजिए कोई कोर्स भी कर रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोर्स कर रही है बड़ा यूएन यूएन का कोई डेवलपमेंट, रिसर्च स्कॉलर है, हम सब अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या कहलाएगा बेटा, ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ना, इसको सेट बना दो ऐसे करके, क्या बनता है ये स्टेटस सेट, परिस्थिति समूह बन जाता है। अब समझ में आ गया अच्छी तरह से, सम टोटल ऑफ ऑल स्टेटस, सभी परिस्थितियों का योग को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर, हु अमंग द फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड बिटवीन क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ किनशिप पैटर्न, निम्नलिखित में से किसने वर्गात्मक और वर्णनात्मक नातेदारी शब्द में विभेद किया है, बता दो जल्दी से कौन है वो जो अंतर स्पष्ट करते हैं। क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप, वर्गात्मक और वर्णात्मक नातेदारी शब्द में किसने प्रस्तुत किए हैं अंतर। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये आपके बंद किस्मत का ताला खोल देगा ये नंबर, ठीक है,
नंबर पे कॉल करके आप एनरोल कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, सोशियोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी 9650052904 पर कॉल कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एल एच मॉर्गन। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। चीटिंग करेगा तो मैं क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगा, फिर सब लोग देखेंगे कितने शर्म आएगा कि कितना बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है ऐसे करके पनिशमेंट हाथ ऊपर करके। समझ में आया, चीटिंग नहीं करेगा कोई। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल इंटरनालाइजेस द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। डैश का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जहां एक व्यक्ति समूह के मानदंडों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। अंकिता पूछ रही है कि सर इस नंबर पे कॉल करके कहां पढ़ना होगा, मुझसे पढ़ना होगा बेटा, ठीक है। पेड क्लासेस ज्वाइन करने की बात हो रही है, ठीक। अगर आपको सोशियोलॉजी नहीं आती है, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ही आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं रियल में, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता, आप अपने विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं, आप स्ट्रांग डेडिकेशन से बंधे हुए हैं, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो सफल होना ही है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, एनरोल कीजिएगा क्लास को, ठीक है। तो क्या होता है ये सोशलाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया सब लोग कोई बी आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर बी कैसे हो सकता है साक्षी। नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप यानी कि वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इन सबको अपने अंदर कौन सिखा, किसके द्वारा सिखाते, सोशलाइजेशन के द्वारा बेटा, समाजीकरण के द्वारा, ठीक है, समाजीकरण के द्वारा। चलिए, इन विच टाइप ऑफ मोबिलिटी एग्जिस्टिंग पावर होल्डर्स रिक्रूट न्यू मेंबर्स टू देयर फोल्ड। बताओ देखे कौन आंसर दे पाता है, किस प्रकार की गतिशीलता में विद्यमान सत्ताधारक नए सदस्यों को अपने दल में भर्ती करते हैं। अनिधि आप देखो बेटा एग्जाम बहुत पास आ गया, बेसिक गलतियां होने लग गई, ठीक है। बेसिक गलती नहीं करनी है कभी भी, याद रखना स्टेटस सेट, ये स्टेटस और रूल वाला वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही स्टेटस रूल पे। सिक्स का सही आंसर सबने दे दिया क्या, माय गॉड, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी है ये। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी प्रायोजित गतिशीलता है ये, ठीक है, प्रायोजित गतिशीलता, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी कहते हैं इसे। देखो सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट इवोल्यूशन इज अ चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ रिलेटिवली इनडेफिनेटनेस इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट एंड कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी। किसने कहा था कि विकास, उद्विकास, उद्विकास अपेक्षाकृत अनिश्चित असंगत समरूपता की स्थिति से निश्चित सुसंगता की विषमता में परिवर्तन होता है। और इसका आंसर कोई चीटिंग नहीं करेगा एक दूसरे से, नो चीटिंग प्लीज। अगर किसी ने भी चीटिंग किया तो सोच लेना कि नील डाउन करा दिया जाएगा यहीं पर सबके सामने, फिर अच्छा नहीं लगेगा फिर आप लोगों को, ठीक है। देख रहा हूं आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग आपको देख नहीं पाते, हम लोगों की नजर आप सब पे है, समझ गए। तो इसका 7th का आंसर बिना चीटिंग किए दो, और ये बी वाले कौन है, बी कौन दे रहा है आंसर। अब भी मैंने पढ़ाया ना हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है, इनडेफिनेटनेस की तरफ से हम लोग डेफिनेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, अनिश्चितता, अनिश्चितता की तरफ से हम निश्चित की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम लोग भी यार
हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग एक्सप्लेन दैट देयर इज अ फास्टर रेट ऑफ चेंज इन, बताओ सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा बताती है कि डैश में परिवर्तन की दर ज्यादा तेज होती है, बताओ किसमें, किसमें परिवर्तन की दर, कौन ज्यादा आगे आगे भाग रहा। सब लोग सही आंसर देंगे, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं बिहार में फिर से लालू जी आ गए। बड़ बात, लालू जी ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे बड़ बात तुम क्या, तू सही आंसर नहीं देता है, तो काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है लेकिन एक आध लोगों ने गलत आंसर भी दे दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी मटेरियल कल्चर। भैया नॉन मटेरियल कल्चर से आगे बढ़ता है हमेशा, ठीक है, भौतिक संस्कृति जो होती है वो हमेशा आगे रहती है। कौन ने दिया था ये सवाल, किसका है ये कॉन्सेप्ट, कौन है वो जिन्होंने ये अवधारणा दी थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सांस्कृतिक अंतराल किसने डिस्कस किया है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, हु सेड दैट सेकुलरिज्म इज अ सब प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, किसने कहा कि धर्म निरपेक्षता भारतीय समाज को आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है, किसने कहा है बताइए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बताइए जल्दी से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्षवाद को आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं भारत में, भारत के संदर्भ में, और जल्दी से जरा शेयर करके आओ, लाइक करके आओ फटाक से। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह जो हैं हमारे, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह सेकुलरिज्म को एक प्रोसेस मानते हैं मॉडर्नाइजेशन का, जब भारतीय संदर्भ में बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, दसवें पे आ जाओ। यस, दसवां सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार का, कंप्यूटर जी यूजीसी नेट 2022 में पूछा जाएगा ये सवाल। जयपुर अतरौली घराना इज एन हिंदुस्तानी म्यूजिक, वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जयपुर अतरौली घराना एक हिंदुस्तानी संगीत है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए जल्दी से फटाफट से शेयर करके आइए, नहीं तो फिर 15 क्वेश्चन के बाद बंद कर दिया जाएगा। लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, बताइए। लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट से, क्या पता कल फिर आपसे इसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पैसे मांगने लगे, फ्री है अभी। ठीक, अल्लादिया खान, अल्लादिया खान जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक हैं, याद रखिएगा, जयपुर अतरौली घराना स्थापना किसने की है, अल्लादिया खान ने स्थापित किया है। अरे स्टूडेंट्स, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है, मैं बता रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि अरे सर जब आप कहते थे तब हमने ज्वाइन नहीं किया था। वो सफलता की पहली सीढ़ी है जब आप वो एक्शन लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत जल्दी से तेजी से आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसको क्लोज करने वाले हैं, तो इससे पहले कि क्लोज हो जाए ज्वाइन कर लो। घोतुल इज फाउंड अमंग, घोतुल निम्नलिखित में से किसमें घोतुल पाया जाता है, कौन सी जनजाति में घोटुल नाम की डोरमेट्री पाई जाती है, बताओ घोटुल। ठीक है, गोंड्स में भी घोटुल पाई जाती है, याद रख, और किस में पाई जाती है गोंड्स,
कौन है जो अपने आप को गोंड्स के रिश्तेदार मानते हैं, गोंड्स के भाई मानते हैं अपने आप को? सब चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या है, मौर्या गोंड। इसे मौर्या गोंड भी कहते हैं, याद रख लेना अच्छे से। अच्छा यार यहां पे गड़बड़ हो गया ना, यहां पे हो होना चाहिए, लेकिन फिर भी पहले बी है तो बी ही मानेंगे। मौर्या गोंड, घोतुल मौर्या गोंड में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर ऑफ द बुक द मॉरल इकोनॉमी, मॉरल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है बताओ जरा जल्दी से, मॉरल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया जल्दी से चैनल को शेयर करके आओ, सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो भैया मेरे, मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा ऐसे, हम लोग गला खराब हो जाता है चिल्ला चिल्ला के कि सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो, वर्कशॉप अटेंड कर लो। ठीक है, पेपर वन का रिसर्च एप्टीट्यूड और टेक्निक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको टिक्स बताने वाली है आपकी फेवरेट गुलशन मैम। ठीक है, तो गुलशन मैम आपको ट्रिक्स बताने वाली है, उन ट्रिक्स को जरूर से देखिए। वर्कशॉप होने वाला है, कब होने वाला है नीचे देखिए, ये ग्राफ चल रहा है ठीक, उसमें लिखा हुआ है 2 सितंबर को, कब होने वाला है, शाम को 8 बजे, उसको अटेंड कीजिए भाई। ये किताब जो है किसकी किताब है, पॉवेलसन की किताब है मेरे भैया, जॉन पी पॉवेलसन। ठीक है, पॉवेलसन की किताब है, सबका आंसर गलत हो गया लाइन से, जेपी पॉवेलसन द मॉरल इकोनॉमी, जेपी पॉवेलसन। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर जॉन लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इसको देखिए जरा हिंदी मीडियम वाले देखिए जरा जल्दी से, कौन सा नॉट ट्रू है बताइए, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, फिर उसके बाद मैं आऊंगा हिंदी मीडियम वालों पे भी। यस, तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले देख लें, अच्छा हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, मैं लाऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन पहले ये देख लीजिए 2 सितंबर को 8 बजे। और आप देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स जो है जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैंड बना हुआ है ब्लू कलर का, ठीक, उसके 3 बिंदु जो है उस पर क्लिक करोगे तो रजिस्टर कर दो अभी से। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जॉन लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जॉन लॉक का आपको मालूम है ना थ्योरीज, नहीं मालूम है तो बता देना, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो ले आऊंगा जॉन लॉक की थ्योरी पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक, सही नहीं है पूछा है, ठीक है, तो सी और डी सही नहीं है भैया, क्रांति अल्पसंख्यकों से कभी नहीं आती है। ठीक है, सच्चे राज्य को संवैधानिक होना चाहिए जॉन लॉक ने कहा, और राज्य सीमित है पूर्ण नहीं है, सीमित है मगर पूर्ण नहीं है ये कहते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन जो है कभी भी माइनॉरिटी नहीं लेकर के आते हैं, इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर एक्ट, ट्रांसफॉर्मर एक्ट नहीं है ये, ठीक, ये ट्रांसफॉर्मर एक्ट है, ठीक, चेंज लाता है, तो ये नॉट लगा हुआ है ना यहां, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द स्टेट इज लिमिटेड, यस,
नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना सोवरेनिटी से है, तो सोवरेनिटी लिमिटेड एरिया में, जितने एरिया में आपकी पावर चलती है उससे मतलब है सोवरेनिटी, तो ये उन्होंने कहा था। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर होना चाहिए, संविधान होना चाहिए राज्य का, ये जॉन लॉक ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा डिस्कस किया था, ये याद नहीं रखना है कि कौन सा नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, निम्नलिखित में से किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया है, बताइए। संप्रेषणात्मक सिद्धांत, संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? यूर्गेन हेबरमास। ठीक है, यूर्गेन हेबरमास, ये तो सबको पता होगा अच्छी तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज ऑथर्ड बाय, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हर बार पूछी जाती है, हजारों साल से पूछी जा रही है, इस बार भी पूछी जाएगी। ठीक है, कहीं मैच द कॉलम में होगी या सिंगल बुक भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स फटाफट से शेयर कर दो जरा एक बार लेक्चर को फटाफट से, उसके बाद ही मैं 20 क्वेश्चन के आगे बढ़ूंगा। एन जे स्मेल्सर ने लिखी है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेसेज फायर इकोनॉमिक पॉलिसी, लेसेज फायर आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए। लेसेज फायर जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लेसेज फायर उससे कौन संबंधित है? 16th का आंसर दीजिए फटाफट से। यस, वेरी गुड, सही आंसर है मिनिमम इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप को हम क्या कहते हैं? लाइसेंस फायर कहते हैं, लाइसेंस फायर। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, पढ़ाया मैंने अच्छी तरह से, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक विकास का प्रमुख प्रस्तावक है, बताइए। कौन है वो जिन्होंने अल्टरनेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है? अल्टरनेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कौन देते हैं? प्रीति आप तो 15 पे चल रहे हैं, क्लास 17 पे चल रही है, आप स्क्रॉल कर लीजिए ऐसे आगे की तरफ, साथ में आ जाइए क्लास के। ठीक, तो डेविड कॉटन ने दिया है, डेविड कॉटन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, डेविड कॉटन, सबका आंसर गलत हो गया, डेविड कॉटन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। मानव सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यस, ग्रेट, सबका आंसर
जो है वो काफी लोगों का आंसर गलत भी है। किसने दिए विकसित किया था? महबूल उल हक। यार तुम लोग भी ना, क्या हो गया तो? महबूब उल हक, ठीक है, हक है ये, महबूब उल हक। यार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने डेवलप किया है, बांग्लादेश के हैं, समझ गए? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस फैक्टर्स पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, जल्दी से आंसर करो। द बुक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज वॉज रिटन बाय, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसके द्वारा लिखी गई है किताब, जल्दी से मेंशन करो कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। देखें जरा कितने लोगों को पता है, याद है। अरे यूएनडीपी तो रिलीज करता है, बनाया किस किस फैक्टर पे, जारी किस किस फैक्टर पे किया जाता है? इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, याद रखना, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी की किताब है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये वैल्यूज के सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज नोन एज, जाति आधारित स्तरीकरण को क्या कहा जाता है, बताइए किस तरह का होता है जाति आधारित? जल्दी बताइए, जाति आधारित स्तरीकरण किस स्तर का होता है? काफी सारे लोगों का गलत कैसे आ रहा है? अस्क्राइब्ड होता है, अस्क्राइब्ड प्रदत्त होता है, ऑप्शन ए प्रदत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सही, पत्थर की लकीर की तरह होता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवॉल्यूशंस आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री, किसकी राय थी कि क्रांतियां इतिहास में इंजन की तरह काम करती हैं, क्रांतियों के कारण ही समाज एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जाता है, समाज में एक चरण से दूसरे चरण में बदलाव आता है। जल्दी से स्टूडेंट जोर लगा के हईशा और शेयर करो जरा जल्दी से वीडियो को, लेक्चर को शेयर करो, शेयर करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, शेयर करो, फ्री वीडियो है, जिस भी सोशल मीडिया पे आपका एग्जिस्टेंस है शेयर करके आ जाओ। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, द मॉडल ऑफ चेंज सजेस्ट दैट चेंज अकर्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्यूशन, परिवर्तन का कौन सा मॉडल, कौन सा सिद्धांत, कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और संकल्प के माध्यम से ही होते हैं। हमारे समाज में परिवर्तन संघर्ष और संकल्प संकल्प के माध्यम से होते हैं, कौन सा है निम्नलिखित में से दृष्टिकोण, कौन सा अप्रोच ये कहता है, बताओ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायलेक्टिकल अप्रोच कहता है, द्वंद्वात्मक। अरे भैया साइक्लिकल कैसे हो सकता है? कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से बताया है, तो क्या सोसाइटी वापस से प्रिमेटिव हो जाती है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा, साइक्लिकल नहीं होता, लीनियर होता है, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? डायलेक्टिक, द्वंद्ववाद, द्वंद होता है ना यार, मैंने आपको बताया ना कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है।
कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही संघर्ष है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ कंप्यूटर जी, या क्वेश्चन नंबर 23 पे ही खत्म कर देंगे क्लास, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी है। हु हैज क्लासिफाइड रिलीजन एंड मैजिक एज सेक्रेट एंड साइंस एज अनहोली। धर्म और जादू पवित्र होते हैं, विज्ञान अपवित्र होता है, किसने इस रूप में वर्गीकृत किया है? कौन है? याद हो गया, रट गया सबको है, बी मेलिनोस्की। मेलिनोस्की ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। अब 25 तुम लोगों के लिए लास्ट कर दे रहे हैं, बस नहीं होगा मेरे से अब आगे। यूजीसी नेट 2022, ये इंपॉर्टेंट सवाल इस बार के लिए। विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूएन एज इंटरनेशनल वीमेन ईयर? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? कौन सा ईयर था जिसे अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था? अभी तक तो बहुत कम लोगों का आंसर सही है। सही आंसर है इसका 1975, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ ईयर घोषित, मतलब घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष। ठीक, 25। डैश अलाउज रिसर्चर टू ग्रो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। डैश अनुसंधानकर्ता को आत्मचेतना और आत्म समालोचन विकसित करने की अनुज्ञा देता है, बताइए कौन कहता है कि आपको सेल्फ अवेयर रहना चाहिए और सेल्फ क्रिटिसिज्म? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मैंने आप लोगों को बताया ना, स्वातुल्यता। इसमें क्या होता है, इंसान समाज से सीखता है। कैसे सीखता है? समाज इनकी आलोचना करता है जैसे ये कोई कार्य करते हैं तो, ठीक है, और फिर उसके बाद ये सीखता है। कई बार देखिएगा समाज में लोग आपको बहुत बुरा भला कहते हैं कि हट, चलो तुम गलत काम करते हो, चोरी करता है। तो क्या करता है बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता है, वो चोरी करना बंद कर देता है। ठीक है, कई लोग उसे अपना करियर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिविटी, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ क्रिटिसिज्म से रिफ्लेक्सिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 26। हु इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर? सत्ता की परिवर्तनशील योग की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा समाजशास्त्री जुड़ा हुआ है? ओके, कौन जा रहा है क्लास छोड़ करके? ओनली नेट JRF, राधे राधे बाय कह रहे हैं, क्यों जा रहे हो भैया, क्या हो गया? ठीक है, वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट से टेलकट पार्सन जुड़े हुए हैं। कौन CV लिख रहा है भाई? वेरिएबल से टेलकट पार्सन, कांस्टेंट से मैक्स वेबर, साइक्लिक से जी मॉस्का,
गए? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टोटेमिज्म एंड द सेवेज माइंड? द टोटेमिज्म और द सेवेज माइंड किताब के लेखक कौन हैं? बताओ। द टोटेमिज्म और द सेवेज माइंड किताब के लेखक कौन हैं? यस, वेरी गुड राधे राधे। उन्हें लगा कि 25 क्वेश्चंस हैं, खत्म हो गए क्वेश्चंस, वो जा रहे हैं की कोशिश कर रहे थे। मैंने रोका, मैंने बोला कि अरे नहीं जाओ, नहीं गए थे। ठीक है, स्टूडेंट है हमारे। चलिए, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की ये किताब है। ठीक है, समझ गए, क्लाउड लेवी। क्वेश्चन नंबर 28, हु कॉइन्ड द टर्म एटम ऑफ किनशिप? रिश्तेदारी का परमाणु या रिश्तेदारी का अणु शब्द किसने गढ़ा है? लास्ट में एक इंपॉर्टेंट होमवर्क है जिस पर इस बार सवाल आएगा। ठीक है, इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो ये किसका है? क्लाउड लेवी स्ट्रास। क्लाउड लेवी स्ट्रास। क्वेश्चन नंबर 29, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव एंड फंक्शनल सब्स्टिट्यूटिविलिटी? कार्यात्मक विकल्प और कार्यात्मक प्रतिस्थापन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इस बार का सवाल है। चलिए, सबको पता है, रॉबर्ट की मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? प्रत्याशा समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? और बने रहिएगा मेरे साथ जेआरएफ तक का सफर तय करने के लिए। ठीक है, सबको पता है, रॉबर्ट रॉबर्ट ने दिया था, रॉबर्ट किंग मर्टन, रॉबर्ट। आगे बढ़ेंगे मगर उसके पहले अपना चैनल भी हम प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे अपने चैनल का, बायजूस एग्जाम प्रेप बाय सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर। ये आपके किस्मत के बंद ताले को खोल सकता है, समझ गए? जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बाद में क्या पता। ठीक है, अभी फ्री है, फ्री है अभी, तो ज्वाइन कर लो। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वेनसडे के फ्री वीडियोस ले लो। इस वेनसडे के फ्री वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का पूरा रिवीजन करा रहा हूं। अब खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, वेनसडे को जो वीडियो होगा उसमें मैं सोशियोलॉजी का रिवीजन कराने वाला हूं। फ्री क्लास यूट्यूब पर, जैसे आज चल रही सैटरडे संडे 10 बजे एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूज, रेगुलर पेड क्लास ट्यूजडे से सैटरडे 5 बजे। और एनरोलमेंट करना है तो आप लोगों का स्वागत है, 9241333666 पर कॉल कर लीजिए या जो ऊपर नंबर दिख रहा है 9650052904 पर भी कॉल कर सकते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, यूजीसी नेट 2022 पूछ लेगा कौन कौन से थिंकर एसोसिएटेड हैं साइबर फेमिनिज्म से? व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ साइबर फेमिनिज्म? साइबर फेमिनिज्म जो है वो किस वजह से, कौन से कारण थे जिसके कारण साइबर फेमिनिज्म का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी? बताइए। होमवर्क नोट कर लिया सब लोगों ने?
कर लिया है? ये होमवर्क है, ठीक है आपके लिए। चलो स्कोर बता दो अपना फटाफट से। किरण के 22 आए हैं, कृष्ण कृष्णा के 27 आए हैं, अंकिता के 22 आए हैं, बिंदु के 22 आए हैं, शाइनिका 25 पर हैं, दीपमाला 26 पर हैं, अतुल 26 पर हैं, शबनम 27 पर हैं, राधे राधे 23 पर हैं, दीपिका 27, मानसी 28, वैशाली 24, विराट 28, अनु 26, अनु 26 ही है ना, ज्योति 23, खुशबू 21, कविता 25। अच्छा राजलक्ष्मी 24, अमित 20, हयाती 16, रूबी 20, ठीक है। श्रद्धा, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, कुछ क्वेश्चन छूट गया है मेरा। हाँ ठीक है, ओके श्रद्धा। 25 सना। अच्छा आप लोग सब लोग अपना ये रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं ना, हर सैटरडे संडे जो मैं लेता हूँ, आपका स्कोर कितना आ रहा है उससे आप तैयार कर रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं ना डेट के साथ, लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अंजलि कह रही है कि आज पुअर परफॉर्मेंस था बेटा, रिवीजन करो। ठीक है, क्लास नहीं ज्वाइन की हो तो क्लास ज्वाइन करो। ठीक, यस, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।